हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे मूंग दाल के पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए दाल को 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था, उसके बाद अच्छे से धो लिया है। अब इसको एक मिक्सी जार में डाल देंगे। इसमें 2 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा डालकर बारीक पीस लेंगे दाल को। दाल को पीस लिए हैं बारीक। अब इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और बाकी की जो बची हुई दाल है उसको दरदरा पीस लेंगे। बाकी की भी दाल पीस लिए हैं। अब इसको दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। हरी धनिया डाल देंगे बारीक कटी हुई। थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया लिया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड तेल गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया है, पकोड़े बना लेंगे। अभी आंच को मीडियम रखेंगे। दाल के पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए पकोड़े भी बना लेंगे। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी हमारे मूंग दाल के पकोड़े बनकर तैयार हैं। बाहर से मूंग दाल के पकोड़े एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। दाल भजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।